हेलो, गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। आप सबका स्वागत है माही सर नर्सिंग के अंदर, जहां हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, इम्पॉर्टेंट नर्सिंग क्वेश्चंस, टॉपिक्स जो अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं और चैनल से जुड़ना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोज़ तुरंत मिल जाएँ। तो अगले वीडियो की कड़ी के अंदर, सिक्स पार्ट के अंदर, हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज्ड इन नॉर प्लांट। नॉर प्लांट के अंदर कौन सी ड्रग यूज़ करती है? नॉर प्लांट क्या है आपका? एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, स्किन के अंदर हम क्या करते हैं, ये नॉर प्लांट इम्प्लांट करते हैं। इसके लिए कौन सा ड्रग यूज़ होती है? ऑप्शन से ए प्रोजेस्टेरॉन, बी इस्ट्रोजन, सी नॉरेथिस्टेरॉन एंड डी एलएनजी। तो इसका जो राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए, और इसका जो राइट आंसर है वो है सी नॉरेथिस्टेरॉन यूज़ किया जाता है नॉर प्लांट के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा एमटीपी एक्ट पास इन इंडिया। एमटीपी एक्ट का मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इंडिया में कब पास हुआ था? ऑप्शन है ए 1951, बी 1961, सी 1971 और डी 1981। तो इसका जो राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट से, और इसका जो राइट आंसर है वो है सी 1971 के अंदर क्या आया था आपका, एम टी पी एक्ट आया था। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन अ ज्योग्राफिक एरिया नंबर ऑफ न्यू केसेस इन अ स्पेसिफाइड पीरियड इज कॉल्ड एज। एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर नए केसेस जो आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन से ए प्रेवलेंस, बी इंसिडेंस, सी आईएमआर, डी अटैक रेट। तो इसका आंसर फटाफट कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है बी इंसिडेंस। मतलब कि जो भी न्यू केसेस होते हैं वो किस में आते हैं आपके, इंसिडेंस में आते हैं, और प्रेवलेंस में क्या आते हैं, ओल्ड प्लस न्यू केसेस। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IMR is expressed in term as, जो infant mortality rate है उसको हम किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन से ए 1 लाख लाइव बर्थ, बी 1 लाख लाइव बर्थ, सी 1000 लाइव बर्थ एंड डी 100 लाइव बर्थ। फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए, और इसका जो राइट आंसर है वो है 1000 लाइव बर्थ्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेजर कॉजेज ऑफ मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट है उसके लिए मेन कॉज कौन सा होता है? मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट का मतलब कि जो मदर्स 28 वीक से 42 डेज आफ्टर डिलीवरी के अंदर जो मौत होती है मदर्स की, वो डेथ होती है, उसका जो ऑप्शन है ए प्यूपरल सेप्सिस, बी हेमरेज, सी ऑब्स्ट्रक्टिव लेवर, डी इन्फेक्शन। फटाफट से इसका आंसर दीजिए, और इसका जो राइट आंसर है वो है बी हेमरेज। और हेमरेज भी कौन सा, क्योंकि मदर्स के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेंस के अंदर दो टाइप के हेमरेज होते हैं, एक होता है APH, एक होता है PPH। जो मेन कॉज होता है वो होता कौन सा होता है, PPH होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन अंडर 5 चिल्ड्रन, जो अंडर 5 चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर मेजोरिटी जो डेथ होती है उसका मेन कॉज क्या होता है? ऑप्शन है ए मलेरिया, बी मिजल्स, सी डायरिया एंड डी PEM। मींस जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं उसके अंदर सबसे जो मेन कॉज होता है वो होता है आपका सी डायरिया। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट इन इंडिया, इंडिया के अंदर नियोनेटल मॉर्टिलिटी रेट के लिए मेन कॉज कौन सा होता है? मीन्स जो न्यू बॉर्न होते हैं, कौन से होते हैं, न्यू बॉर्न, जो कौन से नियोनेटल एज के होते हैं 0 to 28 डेज। ऑप्शन है ए कंजेनाइटल डिफेक्ट, बी बर्थ इंजरीज, सी प्रीमैच्योरिटी एंड LBW एंड डी डायबिटीज मेलाइटिस। इसका जो राइट आंसर है वो है सी प्रीमैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन गेट फ्रॉम, जो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन होता है वो कैसे फैलता है, कैसे ट्रांसमिट होता है? तो ऑप्शन है और कहाँ से मिलता है, ए कम्युनिटी, बी हॉस्पिटल, सी पर्सन टू पर्सन और डी ऑल ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है वो हॉस्पिटल होता है। मीन्स इसको अपन क्या कहते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड
हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन टिश्यू एंड बॉडी पार्ट इज डिस्कार्डेड इन, जो ह्यूमन टिश्यूज होते हैं और बॉडी पार्ट होते हैं उसको हम कौन से बैग में डिस्कार्ड करते हैं, इन BMW बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर। ऑप्शन से ए ब्लू बैग, बी रेड बैग, सी येलो बैग एंड डी वाइट बैग। जो भी डिस्कार्डेड ह्यूमन टिश्यूज हैं, ड्रेसिंग है और जो भी इससे रिलेटेड होते हैं वो सब किस में जाते हैं, आपके येलो कलर के अंदर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। HFA 2000 वॉज गिवन बाय, HFA मीन्स होता है हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है ए WHO, ILO, यूनेस्को एंड यूनिसेफ। जो राइट आंसर है वो है ए WHO ने क्या दिया था, HFA 1978 के अंदर अल्माटा डिक्लेरेशन। फिर आता है आशा, फुल फॉर्म क्या है? ए एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एजेंट, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रेडिटेड सोसाइटी हेल्थ एक्टिविस्ट एंड डी एसोसिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके बी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। कहाँ होता है? विलेज लेवल में, विलेज लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ सब सेंटर एक्सेप्ट, इसमें से सारे सब फंक्शन सब सेंटर हैं, इसमें से कौन सा नहीं है? तो ए मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ पर्सनल एंड रेफरल सर्विसेज। मींस जो सब सेंटर पे फंक्शन नहीं होता वो है सी ट्रेनिंग। कहाँ होती है? PHC और CHC के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फर्स्ट रेफरल यूनिट, इसमें से कौन सा फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है? ऑप्शन से ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड डी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट रेफरल मतलब कि जहाँ पे सुपर स्पेशलिटी केयर मिलती है। इसका ऑप्शन है सी सब सेंटर इज द राइट आंसर, सॉरी बी सब सेंटर, सॉरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होता है आपका FRU होता है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन कवर्ड बाय सब सेंटर इन हिली एरिया, हिली एरिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी कवर करता है? तो ऑप्शन है 1000, 5000, 3000, 4000। राइट आंसर इज द सी 3000 हिली। और प्लेन की बात करते हैं तो होता है आपके 5000। अगर ऑप्शन के अंदर कुछ भी नहीं दे रखा है और सिर्फ सब सेंटर दे रखा है तो क्या होगा आपका 5000 राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉपुलेशन कवर्ड बाय PHC, वन PHC कितनी पॉपुलेशन कवर करता है? ऑप्शन है आपके पास 10,000, 30,000, 40,000 and 50,000। राइट आंसर है कौन सा आपका? बी 30,000 वन PHC। इसका जो रेंज होता है वो होता है 20,000 to 30,000। जो 20,000 होता है वो होता है आपका हिली एरिया और बैकवर्ड एरियाज, और कई ऑप्शन में 18,000 भी होता है, वो भी करेक्ट है आपका। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। TNAI क्या है? फुल फॉर्म होगा इसका ए ट्रेनिंग नर्सिंग एसोसिएशन इंडिया, ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रेंड नर्सेस असिस्टेंट ऑफ इंडिया, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है बी ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये 1920 के अंदर इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। INC इज इस्टेब्लिश्ड इन, INC मीन्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इंडियन नर्सिंग काउंसिल कब इस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शन से 1947, 1948, 1949, 1847। इसका जो राइट आंसर है वो है ए 1947, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसी समय INC इस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में। नेक्स्ट, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इस्टेब्लिश इन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1910, 1920, 1930, 1940। तो इंडिया में IRCS भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? IRCS। राइट आंसर आपका बी 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ये रहा, इन IMNCI विच कलर कोड इज यूज्ड ऑफ रेफरल, या रेफरल के लिए IMNCI में से कौन सा कलर कोड यूज करते हैं? ऑप्शन से ए येलो, बी पिंक, सी ग्रीन एंड डी रेड। तो इसके अंदर जो पिंक कलर होता है उसको अपन क्या कहते हैं? एज ए रेफरल के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, येलो होता है आपका OPD बेस के ऊपर और ग्रीन होता है आपके होम बेस, केयर प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस इज,
नॉन एज टाइप टू डायबिटीज मेटा, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए जेस्टेशनल डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट एंड ऑल ऑफ द एबो। जो टाइप टू होती है वो होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। और टाइप वन कौन सी होती है? इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप माहिसर नर्सिंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर प्रेस कीजिए जिससे आपको वीडियो तुरंत मिल जाए। और जिसको भी नोट्स चाहिए होते हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।